तो आज की हमारी गूगल ड्राइव गूगल शीट की क्लासेस में हम बात करेंगे आपके साथ कि किस तरीके से हम फाइल मेनू बार जो गूगल ड्राइव की होती गूगल शीट की होती है वो कैसे हैंडल करेंगे। तो हम सबसे पहले हम गूगल ड्राइव खोलते हैं क्योंकि हमें गूगल शीट खोलना है। आप अपनी प्रीवियस शीट को भी खोल सकते हैं या फिर आप जा सकते हैं अपनी ओल्ड फाइल में। देखिए यहाँ न्यू के ऊपर होता है, न्यू के ऊपर आप गूगल शीट्स के अंदर यहाँ जब इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ब्लैंक शीट और दूसरा आता है फ्रॉम टेम्पलेट। अब जो फ्रॉम टेम्पलेट होता है जैसे कि हमने कल इस पे डिस्कस किया था कि बने बनाए फॉर्मेट होते हैं जो आप यूज कर सकते हैं अपने काम में। जैसे कि एक्सेल के अंदर होता है सेम इसी तरह से अलग अलग कैटेगरी है। रिसेंट आपने यूज किया हुआ है, पर्सनल है, डू लिस्ट है, वर्क लिस्ट है, तो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से यहाँ दिया हुआ है, इसको इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन ये चीजें आपको ढूंढनी पड़ेगी अपने हिसाब से कौन सा है, क्योंकि गूगल इसमें एक्सेल में सर्च का ऑप्शन होता था बट यहाँ सर्च का कोई ऑप्शन नहीं है, सो आपको ढूंढना पड़ेगा। बस क्लिक कीजिए वो आपका आपके गूगल ड्राइव में आ जाएगा। मैं यहाँ ब्लैंक पे क्लिक करूंगा तो ब्लैंक खुल जाएगा। कि मैं ब्लैंक पे क्लिक ना कर अपनी प्रीवियस फाइल गूगल ड्राइव से ओपन करता हूँ डेटा पी के। ये हमारी गूगल सीट में ओपन हो गई जो हमने इससे पहले की क्लासेस में बात की थी कि हमने एक नया बनाया। अब मेरे पास डेटा है तो हम जैसे कि हमने बात की थी कि हम बात करेंगे फाइल मेनू बार से शुरू करें। ठीक है, ये जो चीजें होती है ऊपर की चीजें सारी चीजें मैं बता चुके हैं आपको, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम फाइल के बारे में बात करें। तो फाइल मेनू बार में सबसे पहले आता है न्यू। न्यू में वही आपका है कि आप नया स्पेस ले या गैलरी। ओपन ओपन पे क्लिक करेंगे तो आप अपने ड्राइव से सेव विथ मी होता है या फिर स्टार लगा हुआ है, रिसेंट है, या फिर आप अपलोड करना चाहते हैं जैसे एक्सेल की कोई फाइल है उसको आप अपलोड करके ओपन कर सकते हैं। ओके, यस अपलोड करने के लिए यहाँ सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करें और अपनी फाइल को सिलेक्ट करें एंड ओपन। कुछ देर में अपलोड हो जाएगी। अब कितना टाइम लगेगा और डिपेंड करता है आपके डेटा के साइज और आपके इंटरनेट स्पीड के ऊपर। ये मेरा अटेंडेंस का जो सीट था वो खुल गया। अब यहाँ पे बात आती है कि एक्सेल में तो बहुत सारी चीजें लगी होती है, क्या वो चीजें यहाँ दिखेगी? देखिए एक्सेल में जो फीचर है वो मोस्टली फीचर गूगल शीट पे अवेलेबल है। अगर कुछ ऐसे फीचर अवेलेबल नहीं है जैसे कि मैक्रोज वगैरह अवेलेबल नहीं है तो वो फीचर यहाँ पे आपको डिसेबल हो जाएगा, वो हट जाएगा, हट जाएगा, वो वैल्यू बन जाएगा। ओपन के बाद हम बात करते हैं इम्पोर्ट। अब इम्पोर्ट जैसे एक ओपन हुआ कि आप गैलरी से या कहीं से ओपन कर ले, अब इम्पोर्ट क्या होता है? इम्पोर्ट भी आपका सेम वही है, इम्पोर्ट कर सकते हो। अब जैसे कि इम्पोर्ट में मैंने इस डेटा को क्लिक करके ओपन किया, ये अलग ये आपके गूगल ड्राइव से कर रहा है, सेव विथ मी रिसेंट अपलोड सेम है। तो मान लीजिए मैं इस डेटा को इम्पोर्ट करता हूँ और यहाँ पे इम्पोर्ट डेटा हमने कर लिया। तो इंपोर्ट डेटा में क्या होगा कि यहाँ पे देखिए, ये देखिए क्रिएट न्यू स्प्रेडशीट दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा इंसर्ट एज ए न्यू शीट्स रिप्लेस द स्प्रेडशीट। इसमें ऑप्शंस होते हैं क्योंकि ये जो हमने ओपन किया था इसने एक अलग ड्राइव ओपन कर दिया। लेकिन इंपोर्ट में क्या होता है कि यू कैन चूज कि आप नई फाइल में लेना जाना चाहते हो या इसी के अंदर नई सीट पे जाना चाहते हो या जो करंट डेटा है उसी को रिप्लेस करना चाहते हो, ये चीजें आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, मैं आपको एक बार दोबारा करके छोटे फाइल पे दिखाता हूं। हमने यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक किया। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद मान लीजिए मैंने एक फाइल ले ली है, ये या ब्लैंक चार्ट।
और मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद तीन ऑप्शंस है, तो मैंने इसको न्यू शीट, इंसर्ट न्यू शीट पे क्लिक करके, और हम इसको इंपोर्ट थीम, थीम भी इंपोर्ट करना है, यस हमने यहाँ इंपोर्ट पे क्लिक कर दिया। अब क्या हुआ, एक नई शीट ऐड हुआ और हमारा एक चार्ट आप देख रहे हैं बन के आ गया। अगर मैं इसको 80% करूँ तो 80% फिल कर देगा, 20% करूँ तो 20% कर देगा, 5% करूँ तो 5% कर देगा। इसके अंदर हमारा फॉर्मूला लगा हुआ है। अब आता मैक एक कॉपी। अब मुझे डेटा पी की एक अलग कॉपी, जैसे सेव एज होता है ना उस तरह से करना है, तो मैक एक कॉपी इसका नाम दीजिए और यहाँ शेयर विद पीपल या फिर माय ड्राइव में कहाँ पे स्टोर करना है वो लोकेशन आप यूज कर सकते हो। मुझे अपने कंप्यूटर में करना है तो डाउनलोड हो जाएगा, शेयर विद मी में करना है या स्टार्टेड में करना है, स्टार्टेड में करना है वो यूज कर सकते हैं। तो इसकी एक कॉपी क्रिएट कर देता है। अब बात करते हैं शेयर। हम शेयर इसको यहां से भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर ये फाइल मुझे किसी को भेजनी है तो दो ऑप्शन मेरे पास है। पहला शेयर, शेयर विद अदर, मतलब कि हम शेयर विद अदर में जाएंगे और यहाँ पे उनकी उसकी ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देंगे। जैसे कि ये देखिए तीन लोगों के साथ शेयर किया गया है, जिसमें से एक ऑनर है और दो एडिटर है, तो उसके गूगल ड्राइव के शेयर विथ मी वाले फोल्डर में ये चला जाएगा। हाँ जी हाँ, शेयर विथ मी वाले फोल्डर जितने दिख रहा है इसमें चला जाएगा। लेकिन अगर मैं शेयर जो है मेल के थ्रू करना चाहता हूं तो आप यहाँ ईमेल आपको दिख रहा है, शेयर विथ दिस फाइल और ईमेल दिस कॉलरेट। अब दो चीजें हैं, दोनों देख लीजिए। अगर मैं ईमेल दिस फाइल करता हूं तो क्या होता है, यहाँ पे मैंने मान लीजिए कि आईपीटी दिल्ली, डाला और इसको मैंने मैसेज डाल दीजिए कि दिस इज फाइल या कुछ भी दे दीजिए। आपको पीडीएफ फॉर्मेट में भेजना है या ऑफिस स्प्रेडशीट में या एक्सेल के फॉर्मेट में भेजना है, वो तीनों में इस फाइल को कन्वर्ट कर देगा। तो फिलहाल मैं पीडीएफ में भेज रहा हूँ, डिफॉल्ट पीडीएफ आता है, सेंड कीजिए। अब मैं सेंड करने से पहले अपना जीमेल भी खोल लेता हूँ कि जो भी आएगा जीमेल के अंदर ही आएगा। देखिए यहाँ पे डेटा पी नाम का हेडिंग आ रहा है, हालांकि हेडिंग वगैरह हम अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। इस पे क्लिक किया, ये देखिए हमारा एक्सेल फाइल यहाँ, ये मेरा सॉरी फाइल जो है आप देख सकते हैं कि इन पीडीएफ फॉर्मेट में आ गया। अब पीडीएफ फॉर्मेट में ना भेज के आप ईमेल में आप जो है कर सकते हैं अपनी कि मुझे इस पे ओपन स्प्रेडशीट एक्सेल फॉर्मेट में ही भेज दीजिए या फिर एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भेजिए। और यहाँ मैं सेम आईपीटी दिल्ली ईमेल आई डालता हूँ और यहाँ हेडिंग सब्जेक्ट डेटा की ना देके मैं डेटा फॉर और मैसेज जो डालना है डाल दीजिए और यहाँ आप सेंड पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ सेंड पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आप इनबॉक्स में जाइएगा तो एक और फाइल आपके सामने आ जाएगा। इस बार इसने एक्सेल की फाइल भेजी हुई है जिसको डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर ओपन विद गूगल शीट भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें शेयर विद यहाँ पे आते हैं, शेयर विद आपके सामने दिख रहा होगा, शेयर ईमेल, हम ईमेल की बात कर, ईमेल विद कॉलरेट्स। इसमें क्या होगा कि जिसको जिसको मैंने फाइल शेयर कर रखा है उसको ये चला जाएगा या सिर्फ उसी को सिर्फ जाएगा, और सेंड योरसेल्फ एज ए कॉपी तो ये आपको भी चला जाएगा और सिर्फ एडिटर को ही जाएगा, व्यूअर को नहीं जाएगा। मतलब कि ये फाइल को मैं जिस जिस लोगों के साथ शेयर कर रखा हूं उसके पास एक ईमेल चला जाएगा, सिंपल ये फाइल मेल चला जाएगा और मुझे भी एक, मैंने अपने कॉपी कर रखा तो मुझे भी एक कॉपी होके आ जाएगा और इसको आप ओपन करेंगे तो एक गूगल ड्राइव में ही ओपन होगा, ध्यान रखिएगा ये डाउनलोड नहीं होगा। हाँ गूगल ड्राइव से हम डाउनलोड कर सकते हैं,
इसमें एक चीज और भी था, शेयर में पब्लिश ऑन द वेब, इस पे क्लिक करने से क्या होगा कि आपको एक लिंक जनरेट कर देगा। लिंक जनरेट करने के बाद ये फाइल उस लिंक के थ्रू पब्लिकली कोई भी एक्सेस कर सकता है। जैसे आपने कोई रिपोर्ट बनाया है, कोई डिजाइन बनाया है, कुछ ऐसी चीजें बनाई है और आप चाहते हो कि कोई भी इसको देख सके बिना ईमेल आईडी साइन इन किए हुए, क्योंकि अभी जो शेयर किए थे ऊपर वाले ऑप्शंस में इसमें क्या था कि वो आपको ईमेल आईडी डालेंगे, वो बंदा उसी ईमेल आईडी से लॉगिन करके ही आपका ड्राइव से शेयर विथ मी वाले फोल्डर से जाके एक्सेस कर सकता है। कोई याहू से, रेडिट से या फिर कोई ऑफिस की आईडी से लॉगिन करके नहीं देख सकता है। अब प्रॉब्लम होती है कि बहुत सारी कंपनीज में ऑफिस आईडी नहीं होती है, जीमेल आईडी नहीं होती, उनकी ऑफिस आईडी होती है, तो वहां पे हम इस लिंक का उपयोग करेंगे, लेकिन ये पब्लिकली चला जाएगा, ध्यान रखिएगा। फिर डेटा, सिक्योर डेटा को आप इस चीज का इस्तेमाल ना करें। ईमेल और शेयर विथ मी समझ में आ गया आपको? अजय कुमार जी, अजय जी आप म्यूट है, अनम्यूट करेंगे तभी सुन पाऊंगा मैं। यस सर। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ईमेल के बाद डाउनलोड का ऑप्शन है। डाउनलोड मतलब कि फाइल डाउनलोड कर सकते हैं अलग अलग फॉर्मेट में, अलग अलग फॉर्मेट में आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप एक्सएमएल कर लीजिए, ओडीएस में कर लीजिए, ओपन डॉक्यूमेंट में कर लीजिए, पीडीएफ कर लीजिए, वेब पेज में कर सकते हैं, या आपका सीएसवी कॉमा सेपरेटेड फाइल जो है उसमें कर सकते हैं, या फिर टैब वैल्यू फाइल में कर सकते हैं, टीएसवी में टैब सेपरेटेड फाइल में कर सकते हैं। इस फाइल को रिनेम करना, हालांकि रिनेम करने के लिए आप यहाँ भी डबल क्लिक करके रिनेम कर सकते हैं और फाइल के अंदर जाके भी रिनेम कर सकते हैं। मूव, अब जैसे कि ये फाइल जो सेव है उसको मैं ड्राइव में सेव है, बाहर ही सेव है, आप चाहते हो कि फोल्डर में चला जाए, किसी और फोल्डर में चला जाए, तो आप ड्राइव के उस फोल्डर से अपने हिसाब के जो फोल्डर है उसमें मूव कर सकते हैं। मूव के बाद यहाँ पे आता है ऐड टू शॉर्टकट इन ड्राइव। इसे मान लीजिए कि हम लोग अपने डेस्कटॉप पे शॉर्टकट बनाते हैं, ऐसे ही आप ड्राइव के मेन पे शॉर्टकट बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे शॉर्टकट है, इस तरह से शॉर्टकट बना सकते हैं। क्लिक करते ही ये आपका ओपन हो जाएगा, आपको उस पर्टिकुलर फोल्डर में जाने की जरूरत नहीं है। मूव टू ट्रैश मतलब कि इसको ट्रैश मतलब कि रिसाइकिल बिन में भेज सकते हैं, कुछ दिनों तक रहेगी रिसाइकिल बिन में, फिर वहां से भी रिमूव हो जाएगी। वर्जन हिस्ट्री आप देख सकते हैं कि ये फाइल का जो है कौन से वर्जन में था, मतलब कि मान लीजिए एक्सेल वर्जन में ओपन किया, एक्सेल में था, फिर मैं पीडीएफ में किया, वर्ड में किया, तो बहुत सारे चीज के वर्जन होते हैं, वर्जन आपको अपने हिसाब से बताएगा, हालांकि इसकी जरूरत बहुत कम पड़ती है। यहाँ पे मार्क अवेलेबल ऑफलाइन मतलब कि ये आप अपना अभी क्या है कि जब तक इंटरनेट कनेक्टेड है तब तक यूज कर सकते हो, अगर आप इसको ऑफलाइन मार्क कर देंगे तो आपका ऑफलाइन मार्क हो जाएगा। डिटेल, इस फाइल के रिलेटेड लेट ना डिलीट डिटेल चाहिए डिटेल ले सकते हो। सेटिंग, इसके अंदर कोई सेटिंग चेंज करना चाहते हो कर सकते हो। सबसे पहले जनरल में आपका आता है कि अपना लोकल की फाइल कहाँ पे बनी है वो चेंज कर सकते हो, अपना टाइम जोन चेंज कर सकते हो यहाँ से। उसके बाद कैलकुलेशंस में आपका अनचेंज मतलब कि आप जब कोई भी टाइप डालते हैं, कोई फॉर्मूला लगाते हैं, कोई भी चेंजिंग करते हैं, तो वो चेंज कब हो, हमने बोला ऑन द चेंज या फिर ऑन एवरी मिनट या ऑन एवरी आवर कर सकते हैं। इंटरेक्टिव कैलकुलेशंस ये ऑफ होता है, इसको ऑन करने की जरूरत नहीं होती है। हालांकि फाइल में इसके अलावा कोई खास है नहीं, प्रिंट है, प्रिंट मतलब इसको अपने हिसाब से प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट में आपके सामने दिख रहा है। इसके अलावा यहाँ आपके पास यहाँ पे क्या करना है, प्रिंट कोई वर्कबुक या सिलेक्टेड से, जैसे आप देखिए यहाँ फालतू कुछ कॉलम्स आ रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि मेरा सिलेक्टेड एरिया ही प्रिंट हो, तो मैं कैंसिल करके एक एरिया सिलेक्ट कर लेता हूँ जिसको मुझे प्रिंट करना है, मुझे इस एरिया को प्रिंट करना है। अब मैं कंट्रोल पी भी दबाऊंगा तो प्रिंट कमांड एक्सेप्ट कर लेगा। यहाँ करेंट सीट के जगह पे मैं यहाँ पे सिलेक्टेड सेल ले लेता हूँ,
उसके बाद आप अपना पेपर सेट कर दीजिए कि आपके प्रिंटर में कौन सा पेपर है, लैंडस्केप चाहिए, पोर्ट्रेट चाहिए, और यहाँ पे फिट टू विड्थ, विड्थ को एक पेज में फिट करना है कि नहीं करना है। मान लीजिए एक दो कॉलम आगे बढ़ रहा है तो फिट टू पेज कर सकते हो। मार्जिन नॉर्मल है या नैरो मार्जिन करना है। उसके बाद ये आता है फॉर्मेटिंग, ग्रिड लाइन शो करनी है, मतलब जो ग्रिड लाइन लाइंस होती है वो दिखाना है या नहीं दिखाना है, और बाकी जो प्रिंटिंग की फॉर्मेटिंग होती है वो हम करेंगे। तो पेज लेआउट में जो इसकी प्रिंटर की फॉर्मेटिंग होती है वो हम सब आपको बता सकते हैं, आगे की क्लासेस में बताएंगे। फिलहाल आप इतना ही आपके लिए काफी है। तो हमने फाइल मेनू बार आज के डेट में खत्म कर लिया है। कल हम बात करेंगे एडिट मेनू बार के बारे में, और ये जो बाहर जो बटन्स दिख रहे हैं इन बटन्स के बारे में भी हम कल की क्लास में आपके साथ डिस्कस करेंगे।